जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। इलेक्शन का वह समय आ गया जो रिजल्ट फाइनल हो चुका। बाबा ने अपने कुर्सी बचा लिया। बाबा से आने वाला जो कम है 2022 और 2025 में आप क्या क्या काम कीजिएगा यूनियन के लिए अपने। देखिए अभी तो कुछ लोगों को बीमारी ये लोग को भी देंगे, जो नए जीत कर आए हैं उनको भी हम देना चाहेंगे। आपको स्पष्ट उन लोग भी थोड़ा देखें कि क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपना देश। और हमको तो करना है ही, बीमारी जो हम लिए हैं हम हैं ग्रेड है एस एस सी है ग्रेड मैपिंग है सब हम लोग। आपके कितने टीम पुराने टीम से कितने जन जीते कितने जन हारे आपको सब हमारे हैं समझे ना। तब भी इलेक्शन फिर क्यों जब सब आप इलेक्शन हमारे हैं तो फिर इलेक्शन क्यों। इलेक्शन इसलिए होता है हमारे सबको लेकर चलना चाहिए, पार्टी या ग्रुप नहीं बनना चाहिए नहीं तो फिर वो चलने वाला नहीं है ना ये चलेगा ना का भला होगा। लेकिन हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट है, हमारा जनरल सेक्रेटरी गवर्नमेंट खड़ा है और उसके बाद वाइस चांसलर भी नेशनल सिक्योरिटी भी जीता है। और कमेटी मेंबर्स में 12 है, 12 कमेटी मेंबर्स 20 लगभग 12 आदमी हम लोग का अच्छा मीडिया से इस बार क्यों दूर रखा गया कि मेरा एरिया नहीं था इतना जल्दी चुनाव कराना। इतना जल्दी कराना का 5 साल फिर से चुनाव नहीं हुआ कि फिर एक और केस हो जाए। बताइए वर्किंग प्रेसिडेंट जी क्या क्या आपका निर्वाह जो इस अच्छा से किया जा सकता है। निर्वाह नहीं चाहेंगे बाबा के नेतृत्व में जमीन जैसे चल रहा था और सुचारू ढंग से चलेगा और बाबा प्रथम प्राथमिकता में लेकर के चल रहे हैं। पहला जो ग्रेड रीजन हमारा रुका हुआ है उसको हम लोग कराएंगे। NTC है कंग्रेस चुनाव से और भी बहुत सारे लंबी चीजें हैं जितना जल्दी हो सके हम लोग संबंधन से बात करते हैं। ग्रेट डिवीजन ग्रेट रिविजन और भी अनेक मांग है। अब देखना है कि 2025 तक होता है कि नहीं होता है। जिसके यूनियन वहाँ किला में भेद करने में सबसे बड़ा योगदान गोपाल जसवाल जी का, जिन्होंने उस बाबा का टीम को ट्रेजरर पोस्ट को छीन लिया और इनके साथ साथ वह टीम को भी तैयार किए हैं जो आने वाला भविष्य में जिसको यूनियन का चुनाव निर्धारित करेगा और आने वाला भविष्य में इम्प्लॉय के लिए सोचेगा। क्या कारण है जसवाल जी जूते हैं लेकिन फिर भी इतना विरोध क्यों हुआ था आपके साथ। विरोध हम लोग तो सच्चाई के राह पे लड़ रहे थे, एम्प्लॉय का हक के लिए लड़ रहे थे, एम्प्लॉय का वेज रिवीजन 2018 से रुका हुआ था उसके लिए लड़ रहे थे। सफलता आज हम लोग अब हासिल हुआ है, हमारा पूरा टीम आज जीत के आया है। आज के बाद अब एम्प्लॉय के लिए काम करना है। एक चीज़ बताइए इतना जल्दी चुनाव हुआ ना आपको टाइम मिला ना किसी के पास जा सके, मतलब 25 को चुनाव अनाउंस होता है 26-27 को रिजल्ट है, इतना जल्दी क्यों। जो भी था हड़बड़ी था जो भी हुआ लेकिन एम्प्लॉय मन में बैठा चुका था कि परिवर्तन करना है और एम्प्लॉय ने परिवर्तन किया बदलाव किया और यही हम लोग का मांग था कि बदलाव होना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए जो परिवर्तन हुआ है और आज परिवर्तन दिख रहा है। एक चीज़ बताइए अध्यक्ष पद के लिए कब तक इंतजार होगा आपका, कब उस पद में बैठेंगे जो पद में बाबा है। अब तो आगे अभी हम लोग बैठेंगे तो आगे का जो कार्यकाल होगा अब आगे का कार्यकाल के लिए हम लोग जो आपके कार्यकाल में जो चीज सबसे पहले आप क्या कीजिएगा क्या क्या मांग है। 3 मांग है कि जो एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय का तो सबसे पहला मांग है कि वेज रिवीजन हो, LTC का मामला लटका हुआ, पेट्रोल अलाउंस का मामला लटका हुआ, LT सारा वेज से ही रिलेटेड सब है जो अभी पहला काम है कि अभी एम्प्लॉय के लिए उसका हक अब दिलाया जाए। 605 ही लोग वोट किए ऐसा क्यों, संख्या तो जिसको का बहुत है अभी
609 ही मेंबर अभी थे, अभी तो इम्प्लाई बहुत हो गए हैं। वो कब आएंगे यूनियन में? अब हम लोग मेंबर अभी बनाएंगे, अभी हम लोग आने के बाद सबको मेंबरशिप दे देंगे तो सब लोग मेंबर हो जाएंगे, तो 6 महीना में वो लोग मेंबर में चुनाव होगा तो उसको वोट देने का उनको अधिकार हो जाएगा। तो 2025 अगर अब चुनाव होगा तो पूरी तरह जिसको भी इम्प्लाई है सबको मिलेगा? हाँ सबको मिलेगा, सब लोग, तो करीब 750 हो जाएगा। यंग जनरेशन परिवर्तन करता है और इसका उदाहरण यह गोपाल जी है जिन्होंने ठान चुका है कि अब जिसको यूनियन में वह नीति और निर्धारण नहीं होगा जो पुराने से चल रहा था, अब यंग जनरेशन का कमांड आस्ते आस्ते जिसको यूनियन के पास आ रहा है और आने वाले समय में जिसको यूनियन यंग के बताए हुए मतलब नौजवान के बताए हुए में चलेगा। और अरेंजमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि वह यंग जनरेशन से भी आपको अगर कुछ काम करवाना है तो आपको भी सोच समझ के काम करवाना पड़ेगा। और इसका जीता या उदाहरण है इसके टीम में वह सब यंग जो आने वाले जिसको यूनियन की तय करेगा। हमारे साथ वह टीम है जसवाल जी के साथ जिन्होंने यूनियन में अच्छा खासा दिन बिताया था, उनको हरा के हमारे साथ आए हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे हरा, क्यों आपको वोट दिए एम्प्लॉय? देखिए ये एम्प्लॉय चेंज चाहते थे कि परिवर्तन हो, क्योंकि पिछले 2002 से ही एम्प्लॉय देख रहे थे कि एक ही यूनियन चल रहा है, तो वो भी कुछ चेंज चाहते थे, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि आज विपक्ष को इतनी बड़ी सफलता मिली है। ये क्या क्या कीजिएगा आप? सबसे पहले हम लोग का मुद्दा रहेगा वेज रिविजन जल्द से जल्द कराने का, जो कि करीबन 58 महीने से लंबित है। बाबा आपका कोई भी डिसीजन में साइन नहीं करेंगे तो कैसा हल कीजिएगा, क्योंकि अध्यक्ष पद उनके पास है? साइन करेंगे, इम्प्लाई हित का अगर बात होगा तो साइन करेंगे, ऐसा नहीं है कि इम्प्लाई हित का जहाँ बात होगा नहीं होगा, जहाँ गलत होगा तो वहाँ तो हम लोग आवाज उठाएंगे। जिसको यूनियन में परिवर्तन हो चुका है और इसका उदाहरण है कि हमारे साथ वो महिला टीम भी है जिन्होंने कमेटी मेंबर का चुनाव जीता, और हमारे साथ जितने टीम है सब फ्रेश मतलब नए इन लोग आए हैं चुनाव जीत के, सबसे पूछते कि आप अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या कीजिएगा, एम्प्लॉय के लिए क्या कीजिएगा? मैडम बताइए। डिपार्टमेंट के लिए अभी जोर शोर से काम करेंगे, जो भी मतलब कंपनी में लेबर मिलेगा वो सब पूरा करूंगी और मैं टीम को साथ दूंगी और टीम में मिलकर सब काम करेंगे और इससे आगे बढ़कर और अच्छा से काम करेंगे और एम्प्लॉय को मदद करेंगे। अभी हम लोग अपने पूरे विभाग के साथ साथ पूरा जिसको कंपनी बाबा के साथ मिलकर हम लोग अच्छा ग्रेड और अपना जो भी बकाया है उस पर हम लोग पीछे ध्यान देंगे। अभी हम लोगों का मेन मुख्य मुद्दा जो था ग्रेड और ये, अभी पहला हम लोगों का ये है कि किसी तरह वो जल्द से जल्द हो सके, उसको कितना जल्दी कर सकते हैं वो मजदूरों का हित के लिए वो कर रहा है। हमारे साथियों जो हमें भरोसा किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने जो सोच के हमें भेजा है मैं हम लोग उसे पूरा खड़ा उतरे और बाबा के हाथों को और मजबूत करें जैसे हमारे मजदूरों का पूरा भला हो। बहुत धन्यवाद। समर्थन में ये कि जो हमारे कमेटी मेंबर जितना है हम लोग का बड़ी मोहब्बत से जीते हैं और भविष्य में ये हम लोगों का बहुत सारा काम करेंगे और हम लोग इसका उम्मीद करते हैं ये लोगों का जय हो विजय हो। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।